हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वायरल टेक बाय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन वीडियो कैसे बनाएं टाइमर के साथ, या फिर कोई भी सब्जेक्ट का टाइमर के साथ आप एजुकेशन वीडियो अगर बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हम इस वीडियो में पूरा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे एजुकेशन वीडियो कैसे बनाएं, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को ज़रूर लाइक करें। उसके लिए सबसे पहले आपको काइन मास्टर ऐप को ओपन करना होगा। अगर आपका मोबाइल में काइन मास्टर ऐप डाउनलोड नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर विदाउट काइन मास्टर वाटर मार्क आप डाउनलोड कर सकते हैं। काइन मास्टर ओपन होने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं सोलह रेशियो नौ पर क्लिक करें, अगर आप यूट्यूब शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो नाइन रेशियो सोलह पर क्लिक करें। तो चलिए हम लोग सोलह रेशियो नौ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड चूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड दिया हुआ है, बैकग्राउंड पे क्लिक करें। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आप जिस भी कलर का बैकग्राउंड रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वाइट कलर का बैकग्राउंड रखते हैं। बैकग्राउंड चूज करने के बाद आपको फिर यहाँ से एग्जिट हो जाना है। यहाँ पर क्लिक करके एग्जिट हो जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पर वीडियो बैकग्राउंड पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक मोटा सा येलो कलर का एक सिंबल दिख रहा होगा आपको। इसको स्क्रॉल करके आप जितना मिनट का वीडियो बनाना चाहते हैं आप उसे स्क्रॉल करके उतना सेकंड का कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 34 सेकंड का हो गया पूरा वीडियो बैकग्राउंड। उसके बाद आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा फोर्थ नंबर में टेक्स्ट का, आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को टैप कर लेते। चलिए हम लोग क्वेश्चन को टैप करते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन को टाइप मैंने कर दिया है। उसके बाद आपको क्वेश्चन को अप डाउन करके अच्छा से सूटेबल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो आपका इसको क्वेश्चन का कलर चेंज करना होगा। क्वेश्चन को कलर चेंज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी कलर का क्वेश्चन बना रखना चाहते हैं आप उसे कलर चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रेड कलर का यूज करते हैं। रेड कलर पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके एग्जिट हो जाना है। इस पर एग्जिट हो जाने के बाद आपको क्वेश्चन का फॉन्ट चेंज कर लें। उस फॉन्ट चेंज करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे डबल ए का एक ऑप्शन दे रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा फॉन्ट है, बहुत सारा आप किसी भी फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे बेस्ट फॉन्ट ये है, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं फॉन्ट ऊपर पे दिखाता है आप कौन सा फॉन्ट चूज किए हैं। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करके एग्जिट हो जाना है। एग्जिट हो जाने के बाद आपको यहां पे ऑप्शन बहुत सारा नज़र आ रहा होगा तो आपको इसको स्क्रॉल करके ऊपर करना है। ऊपर करते ही आपको एक टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, टेक्स्ट ऑप्शन एक दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन को मिड साइड में सेलेक्ट किया हुआ है तो आप इसे इस पर सिलेक्ट कर दें ताकि आपका क्वेश्चन वन नंबर लिखा हुआ है आपका उसके सामने आएगा आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन अच्छा से सुटेबल हो गया। आप उसके बाद आप क्वेश्चन को यहाँ पे क्लिक करके आप अप डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को ऊपर अच्छा से सेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन अच्छा से सेट हो गया है। उसके बाद आपको ऑप्शन फिर टेक्स्ट करना है तो ऑप्शन टेक्स्ट करने के लिए फिर उसी तरह लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको फिर टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन लिखना है। चलिए हम लोग ऑप्शन यहाँ पे लिखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑप्शन यहाँ पे फिल कर दिया। आपको उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको उसी तरह सेम यहाँ पर कलर को चेंज कर देना है, ऑप्शन कलर। आप चलिए हम लोग ऑप्शन कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर ब्लैक कर देते हैं ऑप्शन कलर। उसके बाद आपको फिर यहाँ पर क्लिक करके एग्जिट हो जाना है। एग्जिट हो जाने के बाद आपको फिर उसी तरह फॉन्ट को चेंज कर देना है यहाँ पे क्लिक करके। चलिए हम लोग फॉन्ट को चेंज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट को चेंज हो गया है। उसके बाद आप ऑप्शन को अच्छा से यहाँ पे सूटेबल कर दें। ऑप्शन को इस तरह सूटेबल करने के बाद आपको फिर यहाँ पे फर्स्ट एक ऑप्शन दिख रहा होगा इन एनिमेशन का, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको इसे ऊपर की तरह स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे वाइप डाउन का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइप डाउन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन इस तरह
फील हो रहा है तो इसके बहुत ज़्यादा स्पीड है। स्पीड कम करने के लिए आपको इधर स्क्रॉल करना है। तो चलिए हम लोग इसको स्क्रॉल करके आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्पीड कम हो गया है। उसके बाद आपको फिर यहाँ से एग्जिट हो जाना है। एग्जिट हो जाने के बाद आपको फिर क्वेश्चन और आंसर का लेंथ को बढ़ा देना है। क्वेश्चन और ऑप्शन का लेंथ को आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन और ऑप्शन का लेंथ बढ़ गया है। केवल फर्स्ट क्वेश्चन बनाने में ही आपको ज़्यादा दिक्कत आएगा, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का बहुत ही इजी तरीका है, आप उसे कॉपी पेस्ट कर बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं वीडियो ये बन गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो की तरह बन गया है। उसके बाद अगर आप इस पे टाइमर सेट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, आपको वहाँ से टाइमर का गिफ आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उसका लिंक नहीं है। अगर आप गूगल या क्रोम से डाउनलोड कीजिएगा तो आपका वहाँ से कॉपीराइट आ सकता है, तो इसलिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, आपको गिफ्ट मिल जाएगा टाइमर का। उसके बाद आपको अगर आप अपना वॉइस इस पे ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके